हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी जो नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज एक आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इस वीडियो के अंदर वही बात अपन करेंगे कि क्या है वीडियो के अंदर और क्या स्पेशली इसके अंदर रहने वाला है जो कि आपको बता रहे हैं कि स्पेशल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को है आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और ये वीडियो ऐसा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, भाई है, बहन है, उनको सबको दिखाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो वीडियो का नाम अगर मैं बोलूं तो आपने सभी ने सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के अंदर रहता है वो है सीपीआर। तो सीपीआर कैसे देना है, क्या इसकी स्टेप रहती है, कब क्या कैसे करना होता है, पूरी डिटेल्स 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक भी पॉसिबल हो। वीडियो का इसका मकसद यही रहता है कि अपने को सबको ये पता होना चाहिए कि सीपीआर कैसे देते हैं और क्या इसकी स्टेप फॉलो करनी होती है। तो शॉर्ट वीडियो मिला था मेरे को, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया और आपको जो है शेयर करने की कोशिश किया। मैंने सोचा इसको सबका इसका पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या अपने को करना होता है। तो ओके, तो आपने सुना होगा कि जो 90% जो पर्सन है सीपीआर से रिकवर हो जाते हैं, जिसका हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेशन से और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर रोड के किनारे कोई पर्सन पड़ा है, आपको मिल गया, तो आपने अगर ये स्टेप फॉलो किया तो 90% चांसेस रहते हैं वो लाइव मतलब जीवित रह सकता है। ओके, तो अपने फैमिली मेंबर के इसलिए इफेक्टिव है कि कोई भी घर परिवार आस पड़ोस आने जाने टाइम कोई भी क्लाइंट अगर उनको मिलता है तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ओके, तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिया जाता है। देख लीजिए आप, इसके ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे लाइट सी जल रही है। ओके, तो ऐसे अपने को सीपीआर देना होता है। स्टेप बाय स्टेप सब इसके अंदर डिटेल से अपन देखते रहेंगे। तो अभी देखिए अपने को हैंड कैसे प्लेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लाइंट है, ऐसे इसके ब्लॉकेज है यहाँ पर, तो अपने को हैंड कैसे प्लेस करना है ये इसके अंदर आप देखेंगे कि एक हैंड है वो दूसरे के ऊपर लगाएंगे और कंप्रेस करेंगे फिंगर्स को। यहाँ पे दिख रहा है कितनी डेप्थ के अनुसार इनको जो है ये पोजीशन दे दिया। और पोजीशन ये देख लीजिए, फर्स्ट लेफ्ट साइड के अंदर है, ये रॉन्ग है। अपनी एल्बो है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल से जब सीपीआर देते हैं। और 1.5 से 2 इंच तक इसको फुस करना होता है, 100 बार फुस करेंगे 1 मिनट के अंदर। ओके, तो 2 मिनट्स की मैं बात करूँ, कोई 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करना है। ये देख लीजिए, ऐसे डीप ब्रीथिंग कंप्रेस करते हैं तो ब्लड जो है ब्रेन की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो इसके अंदर इजीली। तो ऐसे करके अपने कोई सीपीआर जो है इफेक्टिव सीपीआर देने का ये तरीका है, ऐसे अपने को देना चाहिए। अगर हाथ बैंड है तो सही नहीं दे पाओगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हैंड टिल चिन लेफ्ट मेथड आपने सुना होगा। एयरवे ब्लॉकेज होता है उसको ओपन करने के लिए दिया जाता है और जो है नोज़ है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब उसको नोज़ को पकड़ करके और 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग की 4 साइकिल अपने को कंप्लीट करनी होती है। देखिए, हेड टिल चिन लेफ्ट में ये मेथड दे रहा है, ये देख लीजिए, हेड को टिल्ट कर दिया और चिन को लेफ्ट कर दिया और नोज़ को कंप्रेस कर दिया। अब माउथ टू माउथ ब्रीथिंग इसको दे रहा है, देख लीजिए इसके लंग्स हैं इन्फ्लेट हो रहे हैं जैसे ये ब्रीथिंग कर रहा है। फिर सुन रहा है कि वापस एयर आ रही है या नहीं आ रही, या तो एयर स्टमक में तो नहीं जा रही लंग्स की कंपेयर में। फिर क्या करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं इसके अंदर कि सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हुआ, मतलब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको पोजीशन दे देते हैं लैटरल साइड के अंदर, जो कि आप देख सकते हो कैसे देनी है। एक क्लाइंट हो तो ऐसे करके इनको पोजीशन दे सकता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू मेडिकल जो हेल्प अराइव करते हैं, मतलब मेडिकल वालों से बात करते हैं, एम्बुलेंस होती है उनसे अपन बात करते हैं, उनको कॉल वगैरह किया जाता है। आप इसके अंदर देख लीजिए 108 पे कॉल कर रहा है। ओके, ऐसे कॉल किया जाता है। उसके बाद क्या करनी होती है, सेकंड स्टेप देखिए, उनको पूछा जाता है कि आप कैसे हो, कहाँ हो, अगर कोई पेशेंट मिलता है तो। उसके बाद अपने को मेज़र किया जाता है साइट की, अपने को सीपीआर कैसे देना है। फोर्थ स्टेप होती है, वो सीपीआर दी जाती है। और 5 स्टेप जो है, 5th स्टेप के अंदर अपने को क्या करना हो, सीपीआर दी जाती है, देनी होती है। ओके, तो ये था इस वीडियो के अंदर। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो बता देना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियोज़ को। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये वीडियो रहने वाला है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। मैंने ये सोचा कि सभी को इसका चीज़ का फ़ायदा हो, तो मैंने ये वीडियो है कहीं से अरेंजमेंट करके इसको जो है यूट्यूब चैनल पे डाला है। मकसद इसका ओनली और यही है कि सभी को इस बारे में पता होना चाहिए 5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट कैसे अपने को देना होता है, क्या इसका पर्पज़ रहता है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिल सकती है, इसलिए इस वीडियो को डाला गया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय।